मुझे समझ नहीं आता कि हर एनिमे मूवी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से कनेक्टेड क्यों होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस मूवी में और मतलब मेरी लाइफ में क्या चीजें कॉमन है, मैं बताता हूं। तो मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। मेरी लास्ट एनिमे वीडियो एक एनिमे मूवी पे थी जिसका नाम है योर नेम। मैंने बेसिकली उस मूवी का रिव्यू दिया था एंड यू गाइज लव्ड इट। तो मैंने तुम्हें बोला था कि नीचे कमेंट्स में जाके अपनी फेवरेट मूवी कमेंट कर दो योर नेम के अलावा, एंड इतनी सारी मूवीज के रेकमेंडेशन आए थे ना मेरे पास, बट उन सब मूवीज के बीच में एक मूवी ऐसी थी जो सबसे ज्यादा तुम लोगों ने रेकमेंड करी थी और वो थी अ साइलेंट वॉइस। मैंने अभी अभी वो मूवी देखी है एंड मेरे सेंसेस मतलब अभी तक होश में नहीं आया है। माई चेस्ट इज पेनिंग क्योंकि मैं बीच में इतना जोर से चिल्लाया था। हेडेक हो रहा है क्योंकि मैं इस मूवी के एंड में इतना ज्यादा रोया हूं ना। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम मतलब इतना ज्यादा रोए हो किसी चीज को लेके कि तुम्हारा हेडेक हो जाए? नहीं कभी, मतलब मम्मी ने मारा हो, पापा ने मारा हो? नहीं, मेरे साथ ही होता है। और अभी जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी वो नीचे कमेंट करेंगे, ए छोटा बच्चा मूवी देख के रोता है। जस्ट वॉच इट। जब मैंने मूवी देखना स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में सैड सीन्स आ रहे थे, बट उन सीन्स को देख के मैं मतलब इतना सैड फील नहीं कर रहा था, मतलब मेरे को वो फील नहीं आ रही थी। तो मैं यही सोचने लगा कि मतलब यार इतनी खास नहीं होगी मूवी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। बीच में एक सीन आता है, नो स्पॉयलर्स, डोंट वरी, स्पॉयलर्स नहीं दे रहा मैं। तो बीच में एक सीन आता है जब उसकी छोटी सिस्टर को मतलब छोटा सा ग्लिम्स मिलता है कि मतलब आगे क्या होने वाला है। उसमें मैं मतलब ऐसे हो गया, भाई ये हो कुछ हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड देन वो चीज होती है, बट नहीं भी होती, लेकिन होती है किसी अलग वे में होती है। मतलब मेरे को पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं यार, बिना स्पॉयलर्स के मूवी समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बहुत बहुत सिंपल वे में समझाता हूं मैं तुम्हें। जस्ट इमेजिन तुम बैठे हुए हो एंड एक कोई आके बहुत जोर से थप्पड़ मारने आ रहा है तुम्हें, एंड जस्ट वो तुम्हारे टच मतलब कॉन्टैक्ट में आने से पहले हाथ के वो रुक जाता है बहुत थोड़ी सी जगह पे, एंड देन वो मतलब हाथ तुम्हें प्यार करने लगता है, ठीक है। एंड सडनली थोड़ी देर बाद दूसरे गाल पे उससे भी डबल जोर का चमाट पड़ता है। कुछ ऐसा ही फील होगा तुम्हें ये मूवी देखते हुए, और वो झापड़ ना जाके तुम्हारे सीधा इमोशंस पे लगेगा। कितना ही सख्त लौंडा क्यों ना हो, कितना ही मतलब हार्डकोर बंदा हो, वो सीन को देख के ना मतलब फूट फूट के रोएगा, इस चीज की गारंटी देता हूं मैं। जापान यार बहुत आगे है हमसे, मतलब इन चीजों में, स्टोरीज में, मूवीज में, टीवी सीरीज में, इन चीजों में यार ये बहुत मेहनत करते हैं एंड बहुत ही अच्छा मतलब फाइनल रिजल्ट आता है इनकी तरफ से। बहुत ही ऑसम चीजें क्रिएट करके देते हैं यार ये वर्ल्ड को। इनका मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर ना, एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है पूरे वर्ल्ड की, उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जापान का है। अब मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। ये जो अभी नई नई गंदी गंदी मूवीज आ रही है ना इंडिया में, ये जैसे एग्जांपल रेस 3, इनको हॉल में देखने से बढ़िया गेट दिस मूवी अ साइलेंट वॉइस, मेक सम पॉपकॉर्न, गेट सम ड्रिंक्स, एंड बाय ड्रिंक्स आई मीन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आई डोंट लाइक अल्कोहल एंड आई डोंट प्रमोट अल्कोहल। एक टिश्यू बॉक्स लो, अकेले देखो या अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखो, एंड मैं गारंटी देता हूँ तुमने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी होगी। ओके, तो अब आती है मेरी स्टोरी। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि मतलब इस फिल्म की स्टोरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से थोड़ी बहुत मैच करती है, तो वो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। अराउंड 9-10th क्लास के आसपास मेरे स्कूल में एक नई लड़की आई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। शी हैड सम स्पीकिंग प्रॉब्लम एंड लर्निंग प्रॉब्लम। तो मैं बहुत बड़ा डूश था पहले, बहुत बड़ा, मतलब लोगों को मतलब परेशान करना मेरा एंटरटेनमेंट था। ये मैं सही बता रहा हूँ, काफी लोगों को अभी शौक लगेगा, ये बंदा खुद अपनी बेइज्जती कराता रहता है यहाँ पे, ये क्या करेगा, बट दैट्स ट्रू। मैं एडमिट करता हूँ यार, मैं पहले बहुत बड़ा डूश था, बहुत लोगों को मैंने तंग कराया। देन पता नहीं क्या हुआ एंड आई बिकेम द पर्सन आई एम टुडे। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं यार उसे बहुत ज्यादा बुली करता था, मैं उसको बहुत ज्यादा तंग करता था एंड जो उसकी प्रॉब्लम्स थी उसका मजाक उड़ाता था। आई थॉट कि वो फनी है, वो मतलब जो भी मैं तंग करता था उसे वो फनी लगता था मुझे। बट एक दिन उसकी मॉम आई स्कूल, टीचर को कंप्लेंट करने से पहले वो मेरे पास आई एंड उन्होंने बताया कि मतलब जिस दिन भी मैं उसे बुली करता था, तंग करता था, वो घर जाके जो चीजें अपनी मॉम को बताती थी, जो भी मतलब वो फील करती थी, सफर करती थी, उसकी मॉम ने मेरे को बताया कि मतलब ये आके मेरे को ऐसा ऐसा बताती है। वो चीज सुनने में ही मेरे को इतनी ज्यादा पेनफुल लगी, एंड देन आई थॉट कि यार ये चीज सुनने में इतना पेनफुल है तो मतलब उसको कैसा फील होता होगा, एंड दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। देन उसके बाद काफी टाइम तक हमने बात नहीं करी। इन क्लास 11th उसने ह्यूमैनिटीज ली एंड मैंने पीसीएम ली, दो अलग क्लासेस थी, बट स्टिल वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड आई मीन रियली गुड फ्रेंड्स। लंच टाइम में मतलब मैं उसकी क्लास में जाता था एंड वी यूज्ड टू टॉक। तुम में से कई सारे लोग अंगद काहाई सिंह को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी सेम स्कूल में था एंड वो भी ह्यूमैनिटीज में था, हम मतलब सेम क्लास में थे। तो लंच टाइम में हम तीनों बैठ के बात करते थे एंड ये चीज बहुत बहुत लंबे टाइम तक चली। एंड ऑन द अदर हैंड जो बाकी सारे लोग थे वो उसको पूरे टाइम परेशान करते रहते थे, मतलब पूरा दिन तंग करना एंड बुली करना, उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। उसे वो वेट करती थी कि कब लंच हो एंड हम बैठ के बात कर सके, एंड इस चीज के लिए मैं पूरी 12th में फेमस था। आई वॉज द गुड गाय। जो भी लड़कियां थी 12th क्लास की वो भी मतलब ऐसे बोलती थी यार रोहन कितना अच्छा है, कितना अच्छे से बात करता है उससे। मतलब मैं जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके नोटिस मारने लग गया था, एंड स्टूडेंट्स के साथ साथ में टीचर्स के भी नोटिस मारने लग गया था। अगर कोई मेरे बैच का जो मतलब मेरी क्लास में था वो ये वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट में डाल देना यार मेरी बात को प्रूव करने के लिए, एंड अगर कोई टीचर देख रहा है तो आप भी कॉमेंट कर सकते हो नीचे। बहुत हिम्मत करके मैंने स्टोरी बताई है। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई टेक्स्टेड हर, क्योंकि काफी टाइम से हमारी बात नहीं हुई थी, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो टेक्स्ट मी बैक। सो यार यही है स्टोरी मेरी। गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जितने भी तुम्हारे एनिमे लविंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो।